कॉन्क्रीट में चल रहे हैं, साबित करना पड़ेगा। गुलाब रसूल बुनियादी, हम आपको आलिम मानते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के साथ हो या नीतीश के साथ हो। अगर वाकई तुम मुसलमानों के साथ हो तो जल्दी का ऐलान भी सुन लो, नीतीश कुमार की टी हुई एमएलसी की सीट पर लात मार के मुसलमानों के मंच पे आ जाओ। हमदर्द है मुसलमानों के। मौलवी जर्जीज को भी एमएलसी और राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर आता है, लेकिन मौलवी जर्जीज ने उन ऑफरों को अपने पैरों के जूते के नोक पर ठुकरा दिया। मुसलमानों, तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे रब का वादा है। वला तहिनू वला तहजनू वअंत बुला लो नहीं तुम प्रभू। तुम उदास मत हो, तुम परेशान न हो, तुम गम न करो। हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरबुलंदी देंगे। अमित शाह मोदी को हटा के तुम्हें भारत का बादशाह बनाएंगे। शर्त ये है, मेरी ये शर्त पूरी कर दो, अल्लाह कहता है। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर दो, अपने अंदर ईमान। मुसलमानों, अपने आप से इख्तलाफात को भुला दो, हनफी देवबंदी बरेलवियों के झगड़े खत्म कर दो। हमारे घर के झगड़े हैं, हम मौलवी बैठ के इसको खुद निपटा लेंगे। इस वक्त ये झगड़ा हमारा घर का नहीं, हमारा एक सारे कौम का झगड़ा है। मोदी और अमित शाह ने इस बिल को लाकर ये साबित कर दिया है कि हम भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये साबित कर दिया है। और आपको ये साबित करना है कि हम अल्लाह के वादे को कभी झूठा साबित नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, आखिरी बात बताते हुए इतना कहूंगा कि हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। मुल्क के शाम का एक गवर्नर उमर के पास आया, उमर अपने बच्चे को चूम रहे थे। मुल्क के शाम के गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस बच्चे को चूम रहे हैं, अपने बच्चे को? मैं तो 5 साल से गवर्नर हूँ, आज तक मैंने अपने बच्चे को घोसा नहीं दिया, आज तक मैंने अपने बच्चे को नहीं चूमा। हजरत उमर ने उसकी गवर्नरी ले ली, ओहदा ले लिया, फरमाया जो अपने बच्चे करेगा वहां की रियायत क्या प्यार करेगा। मेरे भाइयों, मोदी और अमित शाह, तू अपने मुल्क के मुसलमानों को गले नहीं लगा सकता तो पूरे भारत के लोगों को क्या गले लगाएगा? और एक और ऐलान, नहीं लगा पाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका तो पूरा देश क्या संभालेगा? तो पूरा देश क्या संभालेगा? जिसने अपनी 80 और 90 साल की बूढ़ी माँ को एटीएम पे खड़ा कर दिया हो, उसको भी लगा दिया हो, वो पूरे देश के मुसलमानों के साथ क्या सुलूक करेगा? तेरी जहनीयत पूरे दुनिया में वाजे हो चुकी है। हम मुसलमान तेरे ख्वाबों को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे, कभी कभी पाबंदा ताबीर नहीं होने देंगे। तुम अपने ख्वाबों को लेके रह जाओगे, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अय अल्लाह आओ आओ इस भरे मजमे के अंदर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी इलाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा ले, इन दो गोलियों से हमारे मुल्क को बचा ले, अल्लाह इस टकले को अकले सलीम अता फरमा दे, बारी इलाह इस मोटे की तोंद जो हराम माल से भर रही है, अल्लाह इसको सब बुद्धि प्रदान फरमा दे। अमित शाह और मोदी को मुसलमानों का प्यार इसके दिलों में पैदा फरमा दे, इस दिल को वापस लेने की तौफीक अदा फरमा दे। हमारा मुल्क टुकड़े टुकड़े होने के दहाने पर है, हमारे इस देश को बचा ले, हमारे इस मुल्क को बचा ले। अल्लाह इन दरिंदों से हमारे मुल्क को पाक साफ कर दे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे साथियों, बस इन्हीं चंद कलमात के बाद हम आपसे रुख्सत होते हैं। इतना याद रखना, अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं हुआ, आपके अंदर इत्तेहाद नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। आने वाले चुनाव में इत्तेफाक और इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। आपका वोट करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं। इस वक्त हम ये इस दहाने पर पहुंच चुके हैं, सुन लो, बिल्कुल हमारी पोजीशन ये है कि मौलवी जर्जीज की बीवी को बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, भागता हुआ आया, जर्जीज साहब आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी अतरिया लिपट गई है, हम बच्चे को बचा सकते हैं या उसकी माँ को, यानी आपकी बीवी बचेगी या बच्चा, इन दोनों में से किसको बचाया जाए? मौलवी जर्जीज का पहला बच्चा, मौलवी जर्जीज चाहता है कि मेरा बच्चा भी बच जाए, मेरी बीवी भी बच जाए, लेकिन दोनों में से कोई एक बच सकता है, इसलिए
और चीज ने फैसला किया बीवी को बचा लो, अगर बच्चा मर रहा है तो मर जाने दो। हमारा कुरान कहता है, हमारी हदीस कहती है, ऐसी सूरत में तुम पर कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को बड़े नुकसान से बचने के लिए तुमने छोटा नुकसान किया है। मुसलमानों, आने वाले इंतखाब में, आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी को बरसरे इक्तदार पर से हटाने के लिए अगर तुम्हें छोटे मोटे नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बीजेपी को बरसरे इक्तदार छोटा नुकसान कर देना, लेकिन बीजेपी को बरसर इक्तदार मत आने देना। मैं ये जानता हूँ कि तुम बादशाह नहीं बन सकते, सुन लो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन ये भी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम एक हो गए, तुम मुत्तफिक हो गए, तो तुम्हारी मर्जी के बगैर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इतना याद रखो, अपने कोर की ताकत को पहचानने की कोशिश करो। ये ओबी मोदी अकलू टकलू जैसे 576 आएंगे और जाएंगे, ये तो आती जाती सरकारें हैं। होता है, हवा चली है, आंधी बंद भी होगी, इंशाल्लाह आने वाले तारीख में इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिटलर लिखा जाएगा, मोदी को कातिल लिखा जाएगा, मोदी को स्टालिन लिखा जाएगा, इसी भारत के इतिहास में मोदी हिटलर लिखा जाएगा। ये मेरा, ये मेरी पेशीन गोई है, ये मेरी भविष्यवाणी है। जिंदा रहूं तो पूछना, मर जाऊं तो दुआ के लिए हाथ उठा देना। मेरे प्यारे साथियों, ये उल्टे सीधे काम जो आज ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हैं ना, ये कर नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे करवा रहा है। करो, क्योंकि गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अभी इनकी मौत शुरू हो गई है, उनकी उनकी गिनती शुरू हो गई है। हम मौलाना सत्ता को इस देश से बुलाया, इसी तरीके से आप भी हंसी बरेली शिया सुन्नी का झगड़ा बुलाकर इस मुल्क के बारे सोचिए, अपनी इज्जत आबरू के बारे में सोचिए और अपने मिजाज के बारे में सोचिए। हम इसी तरह अपनी बात को खत्म करते हैं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ رہیں گے۔ امیت شاہ مرتضیٰ، امیت شاہ مرتضیٰ، امیت شاہ مرتضیٰ، بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ اب ابھی کا فون ہے سبھی آپ تمام لوگ آئے آج کے اس پروگرام میں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔